तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक पे ब्लॉग लेके आए। आज ये मेरे ब्लॉग में ये है कि हम लोग आज अपना ही फोन रिपेयर करेंगे खुद से। जो हमारी स्क्रीन टूट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की साइड पे। तो टॉपिक ये है कि अब इस आपको हम फोन दिखाएंगे, पहले फोन की क्या कंडीशन है, कैसे उसको रिपेयर करना है। एकदम बहुत बढ़िया आसान तरीके, आप अपना फोन खुद ही रिपेयर कर लेंगे। किसी भी शॉप पे लेके नहीं जाएंगे, खुद ही रिपेयर करेंगे, खुद ही इसका फोल्डर लेकेंगे, खुद ही स्क्रीन लेके खुद से ही बनाना सीखेंगे फोन की। हमारी अगर स्क्रीन फूट जाती है फोन की, तो उसको कैसे सही करना है, हम खुद से अपने घर पे बैठ के, अपने रूम में बैठ के अपना फोन सही कर सकते हैं। किसी भी शॉप पे, किसी भी शॉप के चक्कर में पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। ये हमारा पहला फोन, जो फर्स्ट फोन है हमारा, सैमसंग J6 Pro। इसकी भी स्क्रीन डेड हो गई है, गिरने से स्क्रीन टूट गई है। दूसरा फोन हमारा है इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स हॉट 11 या कैसे कुछ है ये। ये देखिए एकदम नया आईफोन है, अभी मुश्किल से 15 दिन का फ़ोन है ये। आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी ज़बरदस्त। तो इसको हम खुद से रिपेयर करेंगे, पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो उसको हम ओपन करना, आपको बताएंगे कैसे ओपन करते हैं फ़ोन को। तो देखते रहिए वीडियो पूरा। तो इसको यहाँ से खोलने में नहीं प्रॉब्लम होगी। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ चिपकाया रहता है, तो आप किसी चीज़ के माध्यम से इसी साइड से डाल के, कोई चीज़ डाल के ऐसे यहाँ से ना इस पर थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ से आपको थोड़ा सा उठाना है, यहाँ से ये चिपकाया रहता है तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद ये रहा हमारा हॉट 11। अब इसको और खोलते हैं, देखते हैं। ये हमारा रहा हॉट 11 की सब कुछ, ये रहा कैमरे, ये सारे कनेक्शन हैं। ये होती है हॉट टेप, ये भी हॉट टेप होती है, जिससे गर्म ना हो फोन, हीटिंग ऊपर ना आए। ये रहा 3500 mAh की बैटरी, से 5000 mAh बैटरी है इसकी। तो फाइनली आपको ऐसे बैटरी चिपकाई रहती है, तो आपको हल्का या हीट करके या ऐसे किसी चीज़ के माध्यम से ऐसे कुछ टाइप का लेके, जैसे पतली सी चाकू लेके आप ऐसे डाल के ऐसे ऐसे करके बैटरी को निकाल सकते हैं, बैटरी निकल जाएगी। फिर आपको देखिए ये गया है डिस्प्ले का पत्ता। तो आपके पास मशीन तो होगी नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली से निकालना, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अभी दिखाते हैं कैसे निकाल सकते हैं आप। कुछ नहीं करना आपको, जैसे स्क्रीन टूटी गई इसका कोई माध्यम नहीं है, तो इसको आप किसी भी तरह से निकालने को लीजिए। तो आपको ऐसे करके स्क्रीन टूटी गई, आपको नया डालना है इसके अंदर। तो ज़्यादा आपको कुछ करना है, ऐसे पकड़ना है आपको स्क्रीन को, और ऐसे करके ऐसे निकाल देना है। ये निकल गया फोल्डर, ये हो गया हमारा, ठीक बंद कर। एक साइड से इसको साफ कर लेना है, क्योंकि दूसरा फोल्डर लेके आएंगे ना तो बैठेगा नहीं। तो इसको साइड से खूब अच्छे से साफ कर लेना है। देखिए साइड में रहता है, इसमें ग्लू लगा होता है साइड में, तो दिक्कत होती है। तो इसको साफ करना पड़ेगा खूब अच्छे से, कहीं भी रह ना जाए, तभी ग्लू साइड से लगेगी। तो फाइनली माफ करो, तो ये जाली फोल्डर के साथ चिपकी होती है, इसको आपको आराम से प्यार से निकाल लेना है। ठीक है, ये लगी होती है, ये रही, ये बहुत मेहनत पतली होती है, इसको फाइनली निकाल लेना, वरना ही तो आप ये स्पेस खाली रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये स्पेस खाली रहेगा तो धूल मिट्टी सब जाती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम फाइनली निकाल लेते हैं। फोल्डर लगाते टाइम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। देखिए कितना पतली, ये देखिए जाली निकल गई, बहुत पतली है, ठीक से फोकस भी नहीं हो रहा है इस पर। ठीक, फाइनली हमने दोनों फोन को ओपन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने दोनों फोन को फाइनली ओपन कर लिया है। अब हम चलेंगे इसका स्क्रीन ढूंढने, स्क्रीन ढूंढ के लेके आते हैं, फिर इसमें लगा के इसको ऑन करते हैं, फिर आपको आगे आपको दिखाते हैं कैसे होगा ऑन, कैसे चलता है, कैसे इसको फिक्स करते हैं, जो आसान तरीके से फिक्स करेंगे। कोई प्रॉब्लम दिखा दिए हैं आपको कि कैसे हमने ऑन किया, कैसे निकाला, बिना कोई मशीन, बिना कुछ के। अब आपको दिखाएंगे कैसे लगा के, कैसे कर देना है, और फोन फाइनल चलने लगेगा। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। हाँ, रहा था रास्ते में मेरे साथ क्या सीन हुआ कि एक लड़का साइकिल से आ रहा था इतनी धूप में, तो मुझे हाथ दिया कि भाई रुको जरा। मैं रुका, मैं पूछा क्या हो, बोला भाई मेरा पेपर है। मैंने कहा क्या, तो उसका 12th का पेपर था। तो रास्ते में बोला भाई मैं लेट हो गया, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। तो उसकी साइकिल रास्ते में एक दुकान पर खड़ी करवा के उसको मैं बाइक से ले जाके, उसका कॉलेज बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तभी मुझे छोड़ने में 10 मिनट, तब भी वो लेट हो गया था कॉलेज में पहुँचने से। तो बच्चे लगभग बैठ गए थे, सारे लड़के बैठ गए थे। तो उससे मैं रास्ते में पूछा कि ऐसा भाई तुम्हारा ऐसा सीन कैसे हुआ, तुम जल्दी निकला करो यार। मैं बोला जल्दी निकला करो यार, तो बोला भाई पापा की गलती है, पापा बोले थे मैं टाइम से आ जाऊंगा, बट पापा नहीं आए तो साइकिल नहीं थी, तो मैं लेट हो गया। तो मैं सबके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, कृपया इसका ध्यान दीजिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनका पेपर ख़राब हो जाएगा, उनका पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।
और स्पेशली धूप भी बहुत ज्यादा है गर्मी में, तो यहाँ पे पेड़ उड़ देख के छाँव देख के रुक गया थोड़ी देर की, बहुत ज्यादा धूप थी, उसको छोड़ना पड़ा काफी दूर तक, उसको कॉलेज 10 मिनट लेट हो गया। तब भी अब आप भी आप लोग भी जिसको भी देखे रास्ते में उसको पूछ लिए, क्योंकि पेपर चल रहा है, किसी का पेपर न छूट पाए, आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए उसके लिए, जाके कॉलेज लेट हो जा रहा है कॉलेज छोड़ दीजिए, ये सब चीजें करिए। हमको दोनों स्क्रीन मिल चुके हैं दोनों फोन के, जो ये रहा तो इसको हम लगा के दिखाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से लग जाएगा, आप घर पे बैठ के आराम से लगा सकते हैं। ये रहा हॉट 11 यस, ये और ये रहा 6 प्रो, सैमसंग 6 प्रो। ठीक, तो पहले सैमसंग की जो साइड साइड में ये होता है ये चीज अच्छे से साफ कर लेना है किसी भी चीज के माध्यम से, जैसे ये हुआ या आलपिन से अच्छे से साफ कर लीजिए साइड साइड में, जैसे ये लगा हुआ है ये सब चीजें, तो पहले इसको तो एकदम बढ़िया से साफ कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, फोल्डर को ऐसे उठाना है, फोल्डर का ये रहा फोल्डर, और फोल्डर को ऐसे कर ऐसे चेक करना है, उसके बाद ये रहा इसका ये चीज़, ठीक है ये, तो इस पर क्या करना है आपको, इसको इसको आराम से ऐसे कर गए, ऐसे स्पिन को ऐसे देखिए, ये इस पर यहाँ रख के ऐसे बैठा रहना है, ठीक, इस पर आराम से बैठ जाएगा ये, तो इसको ऐसे पकड़ना है एक हाथ से, एक हाथ से ऐसे पकड़ना है, और उसके बाद आपको ऐसे स्पिन को यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे दबा देना है, ठीक है, दबाने के बाद ये ऐसे लग गया, उसके बाद उसको ऑन कर लेना है, फोन को ऑन हो गया आपको, ठीक, और ये रहा गुल्लू ब्लैक कलर, उसको साइड साइड में लगा के बस चिपका देना है, 15 मिनट बाद फोन चिपक जाएगा, रख देना है 15 मिनट बाद फोन चिपक जाएगा, बस आराम से चलाओ, ठीक है, उसको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। तो फोन ने देखे एकदम बढ़िया, फोन बकायदा चल रहा है पूरा, तो बैटरी भी लो है इसकी, 0% बैटरी दिखा रहा, तो फोन पूरा बकायदा काम कर रहा, सब कुछ काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो फाइनली इसमें खूब अच्छे साइड साइड में ग्लू लगा दिए हैं हम, ये देखिए ग्लू लग गया है, अब इसको आराम से बैठा के चिपका देना है, ठीक है, लगा के चिपका देना और कुछ नहीं करना है। तो फाइनली फ़ोन तैयार है, एकदम बढ़िया चल रहा है फ़ोन, ये देखो फ़ोन ऑन है, बस इसको रबड़ लगा दिए थोड़ी देर के लिए सूख जाए, ठीक है, आप लोगों को भी इसे रबड़ लगा के रख लेना है 15-20 मिनट के लिए, कि अच्छे से हर साइड से बढ़िया चिपक कर बैठ जाए, वरना कहीं थोड़ा सा भी उठा रह जाए तो दिक्कत होती है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस दूसरे फोन के साथ भी करना है, उसमें क्या करना है कि आपको दिखा देते हैं ये, तो फाइनली आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे इसको करना है, इसके भी साइड साइड में ग्लू लगा के, और ये रहा इसकी बैटरी रिमूव करना है, बैटरी रिमूव करनी है और फोल्डर को ऐसे करके इस साइड से फोल्डर को डाल देना है, फोल्डर डालने पर ऐसे ग्लू लगी रहेगी तो चिपक जाएगा ये, उसको सब अंदर करके, और ये वाला प्लग यहाँ पे लगा देना है, आपको ये प्लग लगा के ऑन कर देना है फोन, तो आपको ये प्रोसेस करना है, बस चिपका देना है फोन को बैटरी लगा के, फिर से सब बंद कर देना, बस फोन बन के तैयार, फोन बन चुका है, ये थोड़ा सा यहाँ से ना कम चिपक रहा था, थोड़ा रबर लगा दिए कि तो अच्छे से चिपक जाए, फोन बढ़िया बन चुका है, ये देखें हमने फोन खुद ही बना लिया। तो आप लोग को भी यही करना है, फोन खुद ही बना लेना है, कहीं नहीं जाने चाहिए, तो घर पर बहुत आसान है, लगा के चिपका देना है और कुछ नहीं करना है उसके साथ।